हेलो गाइस, टेस्टी वेजी खाना के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको, अगर हमारे पास थोड़ा सा डोसा का बैटर बचता है तो उससे हम मूंग दाल का डोसा कैसे बना सकते हैं, वो मैं उसकी रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास ये तो बिल्कुल थोड़ा सा डोसा बैटर बचा था, तो मैंने ये जो मूंग की दाल का जो आटा आता है मार्केट में, वो ले लिया है मैंने 1 कटोरी, और वो मूंग की दाल का आटा जो है मैं इस डोसा बैटर में ये मिला दूंगी। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो गाइस, ये देखिए, ये घोल मेरा मैंने मिला तो लिया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, और इसमें थोड़े थोड़े मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गुठले से पड़ गए हैं। तो अब ये गुठले फोड़ने के लिए सबसे बढ़िया विक्स से सारे जो गुठले हैं ये फूट जाते हैं, और ये जब गाढ़ा रहे तभी हमें विस्क करना चाहिए, क्योंकि पतला होने के बाद थोड़ी मुश्किल होती है इन गुठलों को फोड़ने में। ये देखिए, अब ये बहुत गाढ़ा है तो मैं थोड़ा पतला कर दूंगी। हमें बिल्कुल जैसे हमारी कढ़ी की कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, या फिर जैसे एक्चुअल में डोसा बैटर की कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल वैसे ही रखनी है। और अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है कि डोसा बैटर की कंसिस्टेंसी कैसे रखें, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाके डोसा बनाने का वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए कैसा धारदार टपक रहा है ये, ठीक है। तो चलिए अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, डोसा बनाने के लिए मैंने अपना नॉन स्टिक पैन लिया है। बिल्कुल हमें वैसे ही डोसा बनाना है जैसे कि हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर उसकी रेसिपी अपलोड कर रखी है। तो ये नॉर्मल पैन है, मैंने इसको गैस पे रख दिया है, और हम इसको गर्म होने देंगे। और इसमें हमें कुछ भी फिलहाल स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अनियन फेरने की या तेल लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी, मैं चम्मच से कलछी की सहायता से आपको मार्केट जैसा ये मूंग की दाल का डोसा भी दिखा रही हूँ, हम बना सकते हैं बहुत इजीली। ये देखिए, अब हमारा थोड़ा सा तवा गर्म हो गया है, तो ये देखिए, ये मैंने ये कलछी में ये बैटर लिया, इसको सेंटर पे डाल दिया, और इसको इस तरीके से फेर देंगे हम। अब इसके ऊपर हमें घी तेल जो भी डालना है वो हम डाल देंगे इसके चारों तरफ और थोड़ा सा बीच में। ये देखिए गाइस, ये थोड़ा थोड़ा बीच में से ब्राउन हो गया है और इसकी परत अपने आप निकलने लगी है, तो अब इस स्टेज पे हम इसको पलट देंगे। इसको हम दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए, हमारे डोसा बिल्कुल बनके तैयार है। ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कि बिल्कुल इधर उधर से ऐसा रोटी टाइप नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी बना है। ये देखिए, अब मैं दूसरा डोसा आपको डाल के बताती हूँ। देखिए, डोसा बैटर लिया, इसको बीच में ऐसे फैला दिया। और इसमें आपको घी तेल जो भी डालना है ये डाल लीजिए। ये देखिए, मैंने तो खाना भी शुरू कर दिया है, बहुत यम्मी बना है। ये दूसरा डोसा भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, इसकी परतें अपने आप उठने लगी हैं और बीच में से हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसको भी हम इस तरीके से उठा लेंगे और पलट देंगे। इसी तरीके से आप सारे डोसे बना के रेडी कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा यम्मी, क्रिस्पी और टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट शेयर करना, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।